हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना शुक्ला पुनः आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष इमला यानी डिक्टेशन को लेकर उपस्थित हुई हूँ, हिंदी विषय का। आज हम इमला को एक नए तरीके से सीखेंगे। बस दो चीज़ आपको पकड़ना है और 101% बच्चे इमला लिखना सीख जाएंगे। पुराने अध्यापक सुलेख और इमला पर क्यों इतना ध्यान देते हैं, अब ये चीज़ जब हम अध्यापक बन गए हैं तो हमें समझ में आता है। सुंदर लिखावट और सटीक लिखावट यानी शुद्ध लिखावट। इमला लिखने के पहले तीन चीज़ एक्टिव होना चाहिए, दिमाग एक्टिव होना चाहिए। ये दिमाग में जो शब्द जाते हैं वो मुंह हमारा यानी होठ हमारे बुदबुदाने लगते हैं और हमारी पेन चलने लगती है। जब आप डिक्टेशन बोलिए बच्चों को तो दो चीज़ बस खाली ध्यान रखना है और पा जाइए अपने लक्ष्य को। पहली चीज़ क्या है कि आपने बोला म ख म ल तो कितना वर्ण आया, तो आप स्वयं उंगली निकालिए म ख म और ल, कितने इसमें अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, चार हैं। अब बच्चों के दिमाग में जो दो अक्षर लिखकर इमला खत्म हो जाता है उनका वो खत्म हो गया कि म ख म ल चार वर्ण हमको लेकर चलना है। दूसरी चीज़ क्या बतानी है कि जब ये आपको पता चल गया कि चार वर्ण हैं तो पहला वर्ण हमारी उंगलियों में कौन सा है, क्रमबद्ध तरीके से हमको लिखते हुए चलना है। तो क्या करना है, पहला म, अब ये नीचे आ गया, ख ये नीचे आ गया, म ये नीचे आ गया और ल ये नीचे आ गया, तो कितने वर्ण आ गए, चार, म ख म ल चार वर्ण आ गए। अब बच्चों के दिमाग में ये तो आ गया कि जो शब्द बोला जाएगा सबसे पहले उसके हमें वर्ण गिनने हैं। क्या गिनने हैं, वर्ण गिनने हैं यानी अक्षर गिनने हैं। एक शब्द और लीजिए, जैसे आपने उनको बोला क्या लिखो, व च प न, जब आप बोलते रहिए तो आपकी भी उंगलियां निकलती रहे कि बच्चों लिखो व च प न, बचपन। कितने वर्ण हैं इसमें, बच्चे फट से बोलेंगे चार वर्ण हैं। सबसे पहला कौन सा वर्ण निकलना है, लिखना है, जो सबसे पहले उंगली में हमने बोला था ब च प और न, और बच्चे यहाँ फट से अपनी कॉपी में उस चीज को लिख लेंगे। तो चलिए आगे इन मात्राओं को समझते हुए इस पूरी मात्राओं का इमला हम यहाँ देखते हैं। हम अ की बात करते हैं तो हमारा मुंह क्या होता है, हल्का सा बंद होता है अ, और जब हम आ की बात करते हैं तो हमारा मुंह खुला होता है। तो जब हम कोई चीज़ डिक्टेशन बोलते हैं बच्चों तक वो चीज़ जाती है तो उनको इसमें अंतर पता होना चाहिए कि अ और आ में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि सारी मात्राएं तो वो सीख जाते हैं लेकिन जब बात आती है आ की यानी अ मात्रा की तो वहीं वो गलत कर जाते हैं। कमला को कभी कमाल लिख देते हैं, कभी कामल लिख देते हैं। तो ये सबसे अच्छा ये तरीका है कि उनको एक बार पुनः इस चीज़ को याद कराइए कि अ में मुंह बंद रहेगा, आ में मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा, इ एक हिचकी लेकर आएगा, ई एक गाना गाएगा, ओ पेट के अंदर, बच्चे जैसे पेट माँ के पेट के पास छिपे होते हैं छोटे बच्चे, ऊ बहुत बदमाश बच्चा भाग जाता है, और री जो वर्ण में नीचे लटक कर आता है वो री। ए इस तरीके से एक सिंबल याद कराइए कि ए यानी जब एक चुरकी बात होगी किसी वर्ण पर, जब एक चुरकी लगेगी तो ए की बात करेंगे। आई गाय देखते हो, भैंस देखते हो, दो सींग देखते हो, अपनी दो चोटी देखते हो, किसकी मात्रा है, आई। इससे जब वो जोड़ेंगे तो वो चीज़ भूलेंगे नहीं। ओ एक चुरकी और एक डंडा, आओ दो चुरकी और एक डंडा, अंग अंग जो है वो वर्ण के ऊपर जब इस तरीके से लिखा होता लगा होता है तो वो अंग की मात्रा, आहा जो सामने दो बिंदी लगी होती आहा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम डिक्टेशन कैसे बोलते हैं, बच्चे उसे कैसे पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्रमगत तरीके से इमला बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अ पकड़ते हैं और हम बोलते हैं क म ल कमल, आप लिखिए कमल, तीन अक्षर आते हैं कमल में, कितने अक्षर आते हैं, तीन। अब जब कमल बोलते हैं तो यहाँ जाकर उनके दिमाग में बैठता है कि मैम ने या सर ने क्या बोला, कमल बोला। अब कमल में कितने अक्षर आ गए, क म और ल तीन अक्षर आ गए। अब पहला अक्षर क्या मुंह आपका बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है क, ये नीचे हो गया, फिर म और फिर लास्ट वाला ल।
तो ये क्या हुआ, ये हुआ कमल। जब वो लिख लें तो पुनः उसको चेक करें वो कि सही लिखा है कि नहीं। फिर हम आते हैं आ की मात्रा के बाद, आपको क्या बोलना है कि आप लिखिए का ज ल, अक्षर आए का ज ल। पुनः बच्चों को बताना है कि आप बताइए तो तुरंत बताएंगे तीन, आपने बोला का ज ल तो वो तुरंत समझेंगे और लिखेंगे क्या, का ज और ल। अब वो लिख लिए, अब उनसे कहिए स्टिच को पढ़िए तो वो कजल लिखे हैं। तो ये बताना है कि कहाँ आपका मुंह खुल रहा है, पुनः वो बोलेंगे और उनको अपनी गलती समझ में आ जाएगी, क पे हमारा मुंह खुल रहा है यानी काजल लिखना है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, काजल बोलिए तो कजला लिख देंगे, कजाल लिख देंगे, क्यों, क्योंकि उनको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आ की मात्रा उन्हें लगानी कहाँ है। ये आपको दिमाग में उनके डालना है कि जहाँ मुंह खुलता है, बड़ा खुले या छोटा खुले, जब हमारे होठ ऊपर जाते हैं तो वहाँ आ की मात्रा ध्वनित तो होती है, एक पैटर्न चलता है, जैसे अ वैसे आ, तो इसमें क्या होता है ज़्यादा वक्त लगता है, दोगुना अ से दोगुना वक्त आ में लगता है। जब इस चीज़ को वो पकड़ने लग जाएंगे तो वहीं गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ई की मात्रा सबसे पहले बताना क्या है, ई जो ई होती है वो हिचकी लेकर आती है, तो जब कोई भी आप इमला में कोई भी शब्द आप बोलेंगे तो ई और ई में स्वयं अंतर करना पड़ेगा कि छोटी ई की ध्वनि निकल रही है कि बड़ी ई की ध्वनि निकल रही है। तो चलिए क्या बोलना है कि बच्चों लिखो कि सा न, बच्चे क्या लिख देंगे, किसना लिख देंगे, कसना लिख देंगे, तो क्यों, क्योंकि उनको मात्राएं बहुत अच्छे से नहीं समझ में आई है, क्लियर नहीं है उनके दिमाग में। तो सबसे पहले वही कि सा न, कितने वर्ण है, तीन है, तो उनको लिखना है किसान, तो सबसे पहले वो तीन वर्ड लिखें। अब लिख दिए, अब उनको दिमाग में क्या रखना है कि ये का नहीं की और सा पे आ की मात्रा, तो क्या हो गया कि सा और न। फिर उनको कहा कि में छोटी की मात्रा लगी तो उल्टे साइड में लगेगी, सा में बड़ा सा मुंह खुल रहा है, सा और न, फिर वहां वो अंतर करना सीख जाएंगे। तो अवर्ण और आवर्ण में उनको जब अंतर समझ में आ जाएगा तो जितने और सारी मात्राएं हैं वो आसानी से यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए अब बात हम करेंगे बड़ी ई की। अब बड़ी ई की बात करेंगे तो हम बोलेंगे लिखो की मत, फिर उनके दिमाग में वही चीज आएगा, आपने बता दिया है तो की म और त, तीन वर्ड वो लेकर आएंगे, ठीक, की म और त, वो तुरंत समझ जाएंगे कि बड़ी की मात्रा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी गाना गा रही। तो सबसे पहले उनको दिमाग क्या रखना है कि कितने वर्ण हैं और उस वर्ण में कौन कौन सी मात्राएं लग रही हैं, उसके साथ ये भी आपको ध्यान रखते हुए बताते हुए उनको चलना है, ठीक। अब बात हम ऊ की करेंगे कि लिखो बच्चों कुशल, कु, तो उनके दिमाग में अच्छा ये ऊ जो है झटका ले रहा है अंदर की तरफ, ये वही वो बदमाश है जो मम्मी की गोद में छिपा होता है। अब आपने बोला तो तुरंत वो कु श और ल, कुशल, वो तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा लग रही है यानी कुशल की बात हो रही है। फिर हम बोलेंगे फूलदान, तो बच्चे क्या दिमाग में रखेंगे, सबसे पहले फूल दान, वो तुरंत सोच जाएंगे इसमें चार वर्ण है, तो चार वर्ण में वो लिखेंगे फूल दान, वो चार वर्ण लिख दिए कि फ ल द न, चार वर्ण आ गए। अब फ में कौन सी मात्रा निकल रही, ऊ, बदमाश बच्चा जो बाहर भागता है, तो फू, अब वो फूल समझ गए कि हो गया। अब वो देखेंगे इसमें आ की मात्रा कहाँ लग रही, मुंह कहाँ खुल रहा है, तो आ जाएगा कि ये दा में मुंह खुल रहा है, इसके मतलब हो गया कि फूलदान ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम री की बात करेंगे तो यहाँ देखिए क में लगा तो क्री,
माँ में लगा तो मरी, हमने बोला क्या लिखो, क्रिप पड़, वो समझ जाएंगे री निकल रहा है, प और र निकल रहा है, तीन वर्ड निकल रहे हैं, तो कृपण ऐसे ही लिखा जाएगा। एक ही ए से लेकर आह तक की मात्रा और देखेंगे। आपने बोला लिखो केरल, आपने क्या बोला केरल, बच्चों को क्या पकड़ना है कि कितने वर्ण हैं, केरल कितने वर्ण हैं, तीन वर्ण हैं। अब उनको लिखना है, अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि मुंह बंद कहाँ होना है और खुलना कहाँ। तुरंत वो समझेंगे कि क में ए की ध्वनि निकल रही है, फिर र निकल रहा है, फिर ल निकल रहा है, तीन वर्ण निकल रहे हैं और उसमें ए की मात्रा की ध्वनि आ रही है, तो केरल ऐसे ही लिखना है। अब हम बात करेंगे आई की। बताया है आपने उनको कि ए यानी गाय, ए भैंस है और बकरी है, यानी जिसके दो सींग हो, दो चुरकी हो, वो किसकी मात्रा आई। जब वो अपने परवेश से कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो वो कभी नहीं भूलते हैं, और एक ध्वनि तो निकल रही है, आई की ध्वनि निकल रही है, तो हम बोलेंगे लिखो कैलाश। क्या बोलना है आपको, कै। अब वो सोचेंगे कि के तो है नहीं, ए तो निकल नहीं रहा, तो आई निकल रहा है, आई कैसी, गाय ए भैंस है, वो तुरंत कनेक्ट करेंगे और यहाँ कै और ला और श, तुरंत वो यहाँ कैलाश को पकड़ लेंगे। अब हम उनको कौन सी मात्रा बताएंगे, ओ की मात्रा बताएंगे। आप उनको बोलिए लिखिए ओ खली, ओ, वो तुरंत समझेंगे कि कितने वर्ण, तीन वर्ण आ रहे हैं। सबसे पहला वर्ण क्या है, ओ, फिर ख और फिर ली, तो फट से वो इस चीज को लिख लेंगे कि ल पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो ये हो गया ओखली। अब हम बात करेंगे औ। अब औ की बात करेंगे, अगर हमने बोला लिखो काउ, तो समझ आ जाएगी उनके कि औ की मात्रा की बात हो रही है, और हमने बोला क्या, काउ और आ, तो दो वर्ण हैं, ये वो समझ जाएंगे, तो यहाँ क लिखा और यहाँ वो अ लिखा। अब उनको क्या समझना है कि कार में ध्वनि किसकी निकल रही है, आओ की निकल रही है, और अ में आ यानी मुंह खुल रहा है, तो क्या हो गया, ये हुआ काउ आ, ये हो गई मात्रा। अंग, तो जब अंग की बात करेंगे, हमने बोला लिखो रंग, रंग में सबसे पहले क्या करेंगे, र और ग पकड़ लेंगे कि दो वर्ण निकल रहा है और अंग की मात्रा कहाँ है, ये यहाँ आ गई, तो क्या हुआ रंग। और अह की मात्रा जब आएगी, जब हमने बोला उसको लिखो छह, कह, दुख, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें अह की मात्रा निकल रही है। जब इस तरीके से हम बच्चों को इमला सिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि कितना वर्ण निकल रहा है और उस वर्ण में कौन सी मात्रा की ध्वनि निकल रही है, जब मात्राओं में वो अंतर करना सीख लेते हैं, तो यकीन मानिए शब्द पंक्ति में और पंक्ति अनुच्छेद में अपने आप बदल जाते हैं।